पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुक्रवार शाम को साउथ ब्लॉक में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 16वीं लोकसभा को भंग करने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ, जो खुद पीएम मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपेंगे। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति उस सिफारिश को स्वीकार कर लोकसभा को भंग करने का आदेश देंगे। जानकारी के अनुसार शनिवार को बीजेपी के नव निर्वाचित सांसदों की बैठक होने की संभावना है। इसके लिए पार्टी ने सभी नव निर्वाचित सांसदों को सुबह तक दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए हैं। सांसदों की बैठक के लिए संसद का सेंट्रल हॉल 25 और 26 मई के लिए बुक कराया गया है। इसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुनने की औपचारिकता निभाई जाएगी। यहीं पर मोदी को संसदीय दल का नेता घोषित करने का पत्र भी तैयार होगा। इसमें एनडीए के सभी सहयोगी दलों के पत्र भी शामिल किए जाएंगे। इन पत्रों के साथ पीएम मोदी दूसरे बड़े नेताओं के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे। संभावना है कि मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सहयोगी दलों के नेता भी साथ जाएंगे। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त बड़े दल के नेता को सरकार बनाने का न्योता देंगे, उसके बाद ही शपथ लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी मिली है कि मोदी 30 मई को फिर से पीएम पद की शपथ ले सकते हैं।